नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। चूंकि लगातार बारिश के चलते वसई विरार में लगातार जलभराव का मामला सामने आ रहा है। उन घरों में जहां पर पानी अब तक नहीं भरा था, कई ऐसे घर जलमग्न हो गए, कई ऐसी दुकानें जलमग्न हो गई, सड़कें जलमग्न हो गई। वसई विरार नाला सुपारा कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, जिससे आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त नजर आया। लेकिन इस पूरे मामले में आज पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र गावित ने इस उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां पर जलभराव अधिक था। उन क्षेत्रों में वसई, नाला सुपारा और विरार, इनमें मुख्य क्षेत्रों का दौरा करके उन्होंने उस जगह का जायजा लिया कि किस प्रकार जलभराव है और किस कारण है, किस प्रकार से निजात होगा। इसके बाद में इन्होंने आयुक्त यानी महानगर पालिका के आयुक्त डी गंगाधरन से भी मुलाकात की। लेकिन इस पूरे विषय पर जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की, सीधे तौर पर उन्होंने बहुजन विकास अघाड़ी की सत्ता पर यानी वसई विरार के क्षेत्रीय सत्ता बहुजन विकास अघाड़ी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि अनधिकृत बांधकाम कराने और अनधिकृत बांधकाम होने से ये सब जलभराव के मामले सामने ज्यादा आ रहे हैं, जिसके पीछे बहुजन विकास अघाड़ी का संरक्षण है, जिसकी वजह से ऐसे अनधिकृत बांधकाम होते हैं और उसके कारण ये पानी भर जाता है। सुनिए राजेंद्र गावित ने किस प्रकार सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी, क्षेत्रीय सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए बहुजन विकास अघाड़ी को इस जल भराव का जिम्मेवार ठहराया। देखिए, यहाँ पे गए 3 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है, ये वस्तु स्थिति है। लेकिन यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में जिस इलाकों में मैंने घूमा हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है, सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पे अतिक्रमण के वजह से पानी का जो निचरा जो है वो न होने के वजह से बड़े बड़े बिल्डर ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बांधे हैं और उसके वजह से उसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। और महानगर पालिका ने जिस तरह से पारदर्शिता के तौर पर काम करना चाहिए, दुर्भाग्य से वो न होने के वजह से ना गटर है, ना बिजली है, ना पानी है, इस तरह से कई दिक्कतें ये यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और अतिक्रमण के वजह से सबसे मतलब यहाँ पे पानी जो है, पानी काफ़ी बड़े पैमान पे हर जगह पे मतलब काफ़ी बड़े पैमान पे वहाँ पे रुका हुआ है। सर, यहाँ पे आपकी अभी सरकार है, आप सरकार की तरफ से यहाँ के लोगों के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ये ड्रेनेज जो है वो ड्रेनेज बनाने के लिए या पानी का जो रुकावट है वो समुद्र में डालने के लिए निरी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जो प्लान बनाया है उसी के तौर पर हम उसको केंद्र सरकार में, उसका प्रस्ताव हम केंद्र सरकार में भेजेंगे और ज़रूर यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में अभी तक जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें काफ़ी कम करने का और सुलझाने का कोशिश करें। यहाँ पे ग्राम पंचायत से लेके नगर पंचायत से लेके महानगर पालिका तक बहुजन विकास अघाड़ी की सत्ता है, लेकिन यहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ है, मेरे ख्याल से जितने भी महाराष्ट्र में महानगर पालिका है, सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट जो है वो वसई विरार में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका की जो पानी में डूबती है उसका मेन रीजन है वहाँ पे अतिक्रमण है। यहाँ पे जो बिल्डर है वो कौन बिल्डर यहाँ पे अतिक्रमण कर रहा है, कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसकी सत्ता है वही कर रहा है। मैंने एक सवाल पूछा था कि बहुजन विकास अघाड़ी के चुनाव के टाइम पर जय ठाकुर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पूरी दुनिया में पानी भरेगा लेकिन वसई विरार में नहीं भरेगा, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, वो कहीं बाहर घूमते ही नहीं तो उनको कैसा पता चला कि वसई विरार में पानी मतलब डूब रहा है, मतलब पानी इतना मतलब यहाँ पे भरा हुआ है। वो यदि बाहर घूमेंगे तो उसको पता चलेगा कि कितना पानी मतलब यहाँ पे भरा हुआ है। मतलब देखो, यहाँ पे अभी जो नया आयुक्त आया है, हमें उनसे ज़्यादा काफ़ी उम्मीदें हैं। आयुक्तों से भी, नया आयुक्तों को भी ऐलान करना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से पारदर्शी के तौर पर काम कर रहे हैं उसी तौर पर आप कंटिन्यू काम करेंगे तो मेरे ख्याल से वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में जो भी रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। इन बात सुनने के बाद में एक बात तो स्पष्ट है कि अब जल भराव पर राजनीति गर्म हो चुकी है। विपक्ष
सत्ताधारी पक्ष पर हमला बोलने के लिए तैयार हो चुका है। कहीं ना कहीं यह सवाल विपक्ष ने उठा लिया है कि आखिर यह जल भराव ना होने का वादा करने वाली बहुजन विकास अघाड़ी सत्ता में आने के बाद में जल भरता है, जल भराव हो जाता है, आम जनता परेशान होती है और वो पल्ला झाड़ लेते हैं। इस पूरे मामले के साथ में एक बात और स्पष्ट हुई, कहीं ना कहीं जनता अधिक परेशान तो आमदार मस्त, अधिकारी मस्त और जनता त्रस्त। जिम्मेदार कौन है वो विपक्ष ने बता दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।